हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो सी कार सी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, बारे जो तुम बेसिक थोड़ा मैं दस रहा कि केमिकल काइनेटिक्स के विच असी केदे नाल डील कर दिया। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। सो एंड रेट ऑफ रेट लॉ भी करांगे, दोनों दे विच कुछ डिफरेंस है वो भी करांगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? देखो ये चैप्टर जेड़ा है तुम दस्या सी केमिकल काइनेटिक्स हैगा, केमिकल काइनेटिक्स दे विच अपन डील केदे नाल कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली जेड़े दे विच लॉज होंगे फिर वो भी ओदियां गल्लां करनगे ना कि किद्दां आपां रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ मास एक्शन की है, सानू रेट ऑफ रिएक्शन ही दसदा बट इज अ रिलेशनशिप विद कॉन्सेंट्रेशन दसदा। सो दैट मीनस की फर्स्ट ऑफ ऑल जेड़ा लॉ ऑफ मास एक्शन कई बार ना डायरेक्ट पेपर च पूछा जाता कि कोई जिदा कोई भी लॉ आदि रिलेशन दसदा, ठीक है। कई बार बहुत बेसिक जहा क्वेश्चन पाया होंगे। सो इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, यह सानू रिलेशनशिप दसदा रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किदा दसदा इन्हें की क्या सी, कोई भी रिएक्शन लेट अपने को रिएक्शन लेने ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो इन्हें बोलिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना किसी भी रिएक्शन का, जब मैं रिएक्शन ले ली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की जी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। देखो दिस इज द साइन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मैं पहला भी दस हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इतने मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट की किन्नी कॉन्सेंट्रेशन होना सारे आपस प्रोडक्ट कर दो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। सो जिन्हें मैं आर रेट लिख लूंगा, रेट प्रोपोर्शनलिटी के बराबर साडे को कांस्टेंट आएगा के ए एंड बी। इस चीज में थोड़ी डेरिवेशन ध्यान ना समझो, क्वेश्चन बन सकता हियर जेड़ा के हैगा दैट इज रेट कांस्टेंट, व्हाट इज रेट कांस्टेंट। देखो ये है कांस्टेंट है बट ना कई बार होंगे कि जेड़ा कांस्टेंट है दैट मीनस कांस्टेंट का मतलब ये होंगे कि इन्हू मैं बैलेंस करना है, बैलेंस करने लिए मैंने केड़ी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कोई है जिन्हें मल्टीप्लाई करना पे दैट इज कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है जिन्हें मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इट मे बी इन डिवाइड आल्सो, ठीक है, बट इतने साडे को के की है कांस्टेंट, केड़ा कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। हुण रेट कांस्टेंट नूं मुझे डिफाइन करना होवे किद्दां डिफाइन कर सकदी हां, फॉर एग्जाम्पल मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए ते बी दोनों की वन ले ली, किन्नी ले ली वन, देन रेट के इक्वल टू आ जाएगा के दे, दैट मीनस जो रेट कॉन्सटेंट आ जरा रेट कॉन्सटेंट हो भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही दसदा सानू कदों, वेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। सो दिस इज अ डेफिनेशन कि रेट कॉन्सटेंट जो सागा दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक स्पेसिफिक हो गया स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक क्यों, वेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वन, कि जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो गई वन हो गई तो जो रेट कॉन्सटेंट इक्वल टू आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। सो अभी कह सकते हैं कि रेट कॉन्सटेंट जो सी दसदा स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू थे, यानी है ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है स्पेसिफिक, ठीक है जी, कि है रेट कॉन्सटेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है बट कदों जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कितनी होगी यूनिटी। सो यानी कि के ते डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, देखो डिपेंड करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है गया कि डिपेंड करेगा कि देखो के दे डायरेक्टली आ के दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आया बराबर हो ना, मतलब कि दोनों लिंक करते पे, यानी कि जे के दी वैल्यू वधेगी फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी वधेगा, ठीक है। जे के दी वैल्यू घट हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन की होगा घट गए, मतलब जे के दी वैल्यू बहुत ज्यादा कोई रेट कॉन्सटेंट जेड़ा के आ ये हायर आ बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है देन मतलब कि उसे हो जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन की है इस रिएक्शन का ज्यादा, ठीक है, मतलब बहुत तेजी ना रिएक्शन है। बट जे के दी वैल्यू स्मॉल आंदी है दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन की है घट, ठीक है। उही ना पता कि तुसी कह दिंदे मतलब कि चलो एक हुंदा है कि के कॉन्सटेंट है बट इट इज अ कॉन्सटेंट बट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, जेड़ा के होएगा ना इट इज द कॉन्सटेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन चेंज हुई के दी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। हर रिएक्शन ले के दी वैल्यू की आएगी डिफरेंट डिफरेंट आएगी,
इट इज द कॉन्स्टेंट बट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड दूसरी गल टेम्परेचर से भी डिपेंड करता है बट फिक्स टेम्परेचर से वैल्यू की रहेगी सेम रहेगी ना इन्हें कॉन्सेंट्रेशन एकदा पर्टिकुलर रिएक्शन लिए कोई फर्क नहीं पैना रिएक्शन चेंज होगी फिर के वैल्यू चेंज होगी क्लियर सो यह गल ध्यान रखनी इतने कॉन्सटेंट बारे क्योंकि रेट कॉन्सटेंट से पुट किया जा सकता है क्वेश्चन कि रेट कॉन्सटेंट सानू की दसदा रेट ऑफ रिएक्शन ही दसदा यह भी पूछा सकता कि रेट ऑफ रेट कॉन्सटेंट होर की कहा जाता स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इनू वेलोसिटी कॉन्सटेंट भी वैसे कहा जाता प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट इन रेट रिएक्शन भी कह सकते हैं एक वेलोसिटी कॉन्सटेंट भी कह देंगे इनू एंड रेट कॉन्सटेंट का जरा सब तो कॉमन नेम जो यूज किया जाता दैट इज रेट कॉन्सटेंट ठीक है सो इनू देख लो ये बारे जो मेन पॉइंट मैं एक बार लिखा दिनी हूं कि जो के बारे लिखने लगी आप रेट कॉन्सटेंट फॉर हाई वैल्यू ऑफ के रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीजिज ठीक है फिर स्मॉलर वैल्यू हैगी के दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर एक के बारे की आ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी क्लियर के इज डिफर फॉर डिफरेंट रिएक्शन हर रिएक्शन ले डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन फिक्स टेम्परेचर से सेम रहेगा रिमेन सेम ठीक है अदरवाइज ये चेंज होता टेम्परेचर कई बार पूछना देना कि फैक्टर चेंज होता हाउ एवर इट चेंज विद टेम्परेचर उदा यह चेंज होगा ये पॉइंट हाई थोड़े थोड़े इन्हों अपने को बना के जिदा भी लिखना लिख सकते You can note down these all points. किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिए इंडिपेंडेंट रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ठीक है सो दिस इज लॉ ऑफ मास सेक्शन फॉर एग्जाम्पल किसी रिएक्शन से आप लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करना ये वाली रिएक्शन ये अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की होगा लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग इतने रेट ऑफ रिएक्शन की होगा के एनओ टू एंड एफ टू हम इतने मैं तुम्हें दस दी हाँ कि कोई भी कोफिशियंट हो उपर चल दिता हमेशा पावर जिद एक रिएक्शन लिखी थी ना आप हमने ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी तो तुम उसे रेट की लिखा सगा ए बी जिद मूहे मैं कोई कोफिशियंट ए लगा दवा स्मॉल है वह पावर से चले जाएंगे ए बी सी की होंगे कोई नंबर होंगे वन टू थ्री वो पावर से चल जाएंगे हमेशा जो भी उस रिएक्टेंट का जो कोई भी मोरे कोफिशियंट होएगा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी वो हमेशा पावर से चली जाएगी लिखना आ सकता पेपर चाहे क्वेश्चन आया भी पेपर मास्टर ग्रेडर सिंपल रेट रिएक्शन का लिखन का ठीक है एक वैसे अगर मैं बहुत इदा करवाने ठीक है बट इन्हों चंगी तरह देख जिदा तुम ए लिखना हो आ जाएगा एन टू ओ फाइव की पावर So this is according to law of mass action. Now what is rate law? Rate law की सिगा rate law नहीं भी सानू rate of reaction दिखता but according to experimental data. जो experimentally देखा गया experimentally ये जरूरी नहीं सी कि power same आई ना. जिधर for example यही reaction सी ना ये according to की है कि law of mass action. देखो ये चीज ध्यान ना समझियो according to law of mass action. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन तो साढ़े को रेट ऑफ रिएक्शन की आ गया ये वाला आ गया इसी रिएक्शन इसी रिएक्शन की मैं गल करने लगी बट जे अकॉर्डिंग टू मैं रेट लॉ देखा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट ऑफ रिएक्शन आया इसी रिएक्शन का वो आया साढ़े को एनओ टू के एनओ टू नाल एफ टू दैट मीनस उस केस च पावर टू नहीं गई
ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੀਸ਼ੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 2 ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ठीक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इंडिया रेट ऑफ रिएक्शन या कोई थ्योरेटिकल नहीं पूरी कोई बैलेंस एक ही दसदा सानू जिहड़ा लॉ ऑफ मास एक्शन है ये ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन नूं देख के दसदा जिहड़ी साडे को ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन हैगी आ ना जिहदा कोई भी आ गई बस इन्हें उन्हूं देख के आंसर दे देना जिहदा हुण इही रिएक्शन लै लो जिवें इही रिएक्शन ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखा ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आ लॉ ऑफ मास एक्शन तां इह आ गया बट अकॉर्डिंग टू जिवें रेट लॉ इहदा ही लिखना होवे रेट लॉ दे अकॉर्डिंग जिवें इहदा ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगे वो की आएगा के ए ए बी इथे पावर अपने को हो जानगी या पी ते क्यू हुण मैं पावर सेम नहीं ना लईया मैं अपने को की लईया पी क्यू की आ कोई भी पावर जिहड़ी एक्सपेरिमेंटली जदों आपां परफॉर्म करांगे कोई भी उस प्रैक्टिकल नूं की पावर आंदियां वो आंसर आएगा समझदे कि ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਥਰੈਟੀਕਲੀ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚ ਲਿਖ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਲਿਖਤੀ ਪੀ ਕਿਉ ਜਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਖ ਲਓ ਹੁਣ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਟ ਲਾ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਆ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਔਰ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿ ਬਸ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਦੇ ਸੋ ਰੇਟ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੇਟ ਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕੇ ਐਨ 2 ओ फाइव दी पावर 2 बट जो मैं रेट लॉ लगाया तो एक्सपेरिमेंटली की देखा गया सारे एक्सपेरिमेंटली डाटा है ठीक है एक्सपेरिमेंटली की देखा गया कि आर इज इक्वल टू की आ गया के एन 2 O5 दी पावर कुछ भी नहीं बस 1 ही पावर दैट मीनस इट पावर 2 से डिपेंड नहीं किया पावर चेंज हो गई ना सो दिस इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जिदा यही वाली रिएक्शन आदि जो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना हो ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਟ ਹਾਂ ਰੇਟ ਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ CH3Cl3 ਨਾਲ ਕੀ ਆਇਆ Cl2 बट जो मैं रेट लॉ लगाया रेट लॉ तो सू एक्सपेरिमेंटली की पता लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की आया CH3Cl3 नाल Cl2 दी पावर 1/2 एक्सपेरिमेंटली जो डाटा देखा गया साडे कोल आया जो अगे हाफ करनी अगे करांगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर उत्थे भी तुहानू काफी कुछ क्लियर होगा ता ही ए वाली चीज पहला करने की जरूरत है क्लियर सो एक रिएक्शन रहेगी ओदा भी मैं लिख दनी ए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन सी फिर इस करके मैं लिख दिता इत्थे ये नेक्स्ट हैगी जिदा यही वाली रिएक्शन हैगी देखो ये रिएक्टेंट हैगे मिलके ये वाला प्रोडक्ट दे रहे ते लॉ ऑफ मास एक्शन दे अकॉर्डिंग की आएगा रेट एदा के
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, ये चीज आएगी। बट जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेट ला के अकॉर्डिंग जो रेट आया दैट इज आया के सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव एंड वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड किया, पावर कितनी होगी जीरो, मतलब वॉटर से इंडिपेंडेंट है। जो एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली देखा ना उदो की आया जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट जो वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड किया। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड रेट लॉ। इस कंफ्यूजन होता है काफी, बट जो तुम इदा करोगे तो क्लियर रहेगा ना। लॉ ऑफ मास सेक्शन अपलाई करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट जो आप रेट कॉन्सटेंट किया डिपेंड करता भी पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिफरेंस भी हो गया। नेक्स्ट विच आप कुछ अगे देखा कि अलग अलग होर भी मैथड है फाइंड आउट करने की, ऑर्डर मोलिकुलरिटी एंड फर्स्ट ऑर्डर सैकेंड ऑर्डर वो चीजा नैक्सट करा, बट उस पहले ये चीजा तुम बहुत क्लीयर होनी चाहिए। जे तुम वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।